मैं कृष्णनाथ बाबूराव अड़सूल, मैं कलाश्री इंजीनियरिंग का सीनियर डायरेक्टर हूँ। कलाश्री इंजीनियरिंग ये कंपनी हमने 1994 में चालू किया। आईटीआई में मैं टॉप किया, उसके बाद मैं किर्लोस्कर न्यूमेटिक में मेरा प्लेसमेंट हुआ। किर्लोस्कर न्यूमेटिक में 3 साल का ट्रेनिंग हुआ और उसके बाद मैं सर्विस में कन्फर्म हुआ। 10 साल तक सर्विस किया। बाद में ऐसा लगा मुझे कि सर्विस में जितना मुझे पैसा मिलता है पेमेंट, उससे अच्छा मैं पार्ट टाइम थोड़ा टाइम काम करके भी उससे ज़्यादा पैसा मिलता है। इसलिए मैंने लास्ट में डिसीजन लिया 1990 में, मैं सर्विस छोड़ के फुल टाइम बिजनेस चालू किया। वो फुल टाइम रिकंडीशनिंग का काम करता था। हम हर फैक्ट्री में जाके कुछ मशीन रिकंडीशनिंग करना है। उसके बाद मुझे लगा कि मशीन शॉप डालेंगे। शुरू में हमने 3 मशीन खरीदा, एक हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, एक मिलिंग मशीन एंड एक रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ये चालू करने के बाद हमें इलेक्ट्रॉनिका के डायरेक्टर मिस्टर प्रकाश रत्नपारखी, इन्होंने हमें बहुत अच्छा ग्रोथ दिया। उन्होंने कुछ लोन भी दिया। शुरू में हमें लोन मिलता नहीं था, बैंक से कोई लोन नहीं देता था, वो फाइनेंस से हमें लोन दे दिया उन्होंने। और उसके ऊपर हमने कुछ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन और परचेस किया और उनका काम करने को चालू किया। वो चालू करने के बाद हमें शुरू में बहुत दिक्कत आई। एक्चुअल जो EMI मैच नहीं होता था, उनको हमने जब भी बताया कि भाई EMI मैच नहीं होता है, तभी उन्होंने वो उसका रेट बढ़ा के दे के हमें सपोर्ट किया। और वहाँ से हम एकदम अच्छी तरह से बिजनेस चालू किया। हमारा ग्रोथ रेट 18% रहा। पिछले 2 साल में इंडस्ट्रियल एवरेज ग्रोथ रेट था 5.1, मगर हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 6.2 रखने में हम कामयाब रहे हैं। हमारे पास हेवी ड्यूटी जॉब वर्क का काम चलता है और हेवी ड्यूटी में हम बड़े कंपनी L&T का काम करते हैं, भारत फोर्ज का काम करते हैं, किर्लोस्कर ब्रदर्स, किर्लोस्कर वाड़ी उनका काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीन का काम करते हैं। पिछले 20 साल से हम इनका रेगुलर काम करते हैं। कलाश्री इंजीनियरिंग का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्विस इंडस्ट्री है, मगर हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक सब जॉब हम मशीनिंग करके देते हैं और कोई नया मैन्युफैक्चरिंग करके भी देते हैं। हम हेवी ड्यूटी जॉब वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट बेस पर काम करते हैं और जो चैलेंजिंग काम है वो हमारे मशीन पर सब मशीनिंग करके देते हैं और जो लोगों को रिक्वायरमेंट है वैसा हम मैन्युफैक्चरिंग करके जॉब देते हैं। एक झाइलम करके कंपनी है गुजरात में, उनके जॉब के लिए एक कीवे मिलिंग अटैचमेंट हमने खुद डेवलप किया है और उसके लिए हम पेटेंट भी फाइल किया है। ये इंटरनल कीवे मिलिंग मशीन है, वो इकोनॉमिकल है। हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के ऊपर ये अटैच करके 1 मीटर लंबाई तक उसको इंटरनल कीवे कर सकते हैं। अगर थ्रू बोर रहेगा तो हम 2 मीटर तक भी उसको कीवे कर सकते हैं। क्वालिटी ये हमारा एम है, क्योंकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इसके ऊपर ध्यान देगा देने का है तो क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। एग्जिस्टिंग हमारे पास जो मशीनें हैं वो प्लेनो मिलर 4 है, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन 6 है एंड स्लाइडवे ग्राइंडिंग मशीन है, फ्लोर बोरिंग मशीन है। तो ये इसमें से ज़्यादातर हमारा कन्वेंशनल मशीन है। आगे CNC मशीन शॉप पूरा लगाने का हेवी ड्यूटी के लिए। हेवी ड्यूटी प्लेनो मिलर के बदले में हम डबल कॉलम VMC लगाएंगे और हॉरिजॉन्टल बोरिंग के बदले में बड़ा HMC लगाएंगे और VTL के बदले में हम लोग CNC VTL लगाएंगे। इससे हमारा विजन ऐसा है कि दुगुना प्रोडक्शन हमारा हो सकता है।
इंडिया एसएमई फोरम से एसएमई 100 अवार्ड 2013 में मिला। राष्ट्रीय रत्न अवार्ड एंड गोल्ड मेडल के साथ हमें कलाश्री इंजीनियरिंग को सम्मानित किया। उनका ऐसी तैयारी चाहिए कि हार्ड वर्किंग करना है, ऑनेस्टली काम करना है और पैसे का और समय का इस्तेमाल सही ढंग से करना है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, आइडियल वर्क कल्चर एंड क्वालिटी, ये चार पॉइंट कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है।